ऑफेट आज मैं बात करने जा रही हूँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे। और प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज होता है जो महिला के लिए या उसकी फैमिली के लिए बहुत ही खुशी का टाइम होता है, बहुत ही अच्छा टाइम होता है, लेकिन उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है महिला के लिए और उसके बच्चे के लिए। तो फ्रेंड्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है और क्यों होती है, क्या कारण होते हैं उसके होने के, आज मैं इस पे ही जो है चर्चा करने जा रही हूँ, इस पे ही मैं बात करूंगी। तो फ्रेंड, नॉर्मली क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है दो तरीके की होती है, क्योंकि कुछ महिलाओं में क्या होता है कि उनको पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं जिसके कारण उन्हें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के समय में। और दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में ये होता है कि कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि उनको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, कंसीव करने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है उन्हें कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाती है। तो ये दो टाइप की होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, पहले हम चर्चा करेंगे, मैं पहले बात करती हूँ फर्स्ट टाइप की हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। तो पहले टाइप की हाई रिस्क प्रेगनेंसी कब हो सकती है कि जिन महिलाओं को जो है या तो पहले से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है, या फिर उनको दिल से संबंधित कोई समस्या है, या उन्हें अस्थमा की समस्या है, या उनको यूट्रस से संबंधित पहले से कोई सर्जरी हुई है, उनकी जो है यूट्रस से संबंधित यूट्रस में जो है कोई सर्जरी हुई है, या फिर उनको जो है पहले से एक दो अबॉर्शन उनके हो चुके हैं ऑलरेडी, जो है प्रेगनेंसी से पहले आपके एक दो अबॉर्शन हो गए हैं, तो फिर ऐसे में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। और इस कंडीशन में जो है माँ और बच्चे दोनों के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए ऐसी कंडीशन में अगर आपको ऐसी पहले से प्रॉब्लम है, आप कंसीव कर चुके हो, तो इस फेज में आप डॉक्टर से बराबर चेकअप कराएं, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है और इसमें अपनी मनमानी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप जो है बिल्कुल भी रिस्क ना लें, आप डॉक्टर से बराबर सलाह लें, डॉक्टर की निगरानी में ही आप रहें और वो जैसा बोले आप वैसा ही करें। अब मैं आती हूँ सेकेंड टाइप पे। तो दूसरी तरीके की हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कंडीशन कब आ सकती है, तो इसमें जो है कई सारी समस्याएं हो सकती है, कई सारी बातें हैं, जैसे कि या तो महिला की उम्र जो है कम है, जितनी होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, और या फिर ज्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, और वो कितनी कम है और कितनी ज्यादा है, यानी कि किस उम्र से कम नहीं होनी चाहिए और किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। उम्र के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगी कि इतने से कम होने पे क्या प्रॉब्लम आती है और इतने से ज्यादा होने में क्या प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे बात करूंगी कि एक ये उम्र वाला केस भी होता है कि अगर आपकी उम्र कम है या ज्यादा है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस बढ़ते हैं। अब आती है सेकेंड बात कि या तो आपका वजन बहुत कम है या वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस समय भी आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। अब तीसरी बात आती है, या तो बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, जो इसका एवरेज वेट है, एवरेज माप है उससे, या तो उसका काफी वजन कम है या उसका वजन काफी ज्यादा है, तो भी आपकी जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आती है। और अगली बात यह है कि या तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो रही है जैसे उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, अगर उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है तब भी आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। और एक और बात ये आती है कि या तो आपके घर में जो है जुड़वा बच्चे है, आपकी जो जुड़वा बच्चे अगर है तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगली जो समस्या है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस बढ़ाती है, वो ये है कि या तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपको हाई ब्लड प्रेशर व प्री एक्लिम्पेशिया की समस्या है, तो भी है जो है आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, या आपको प्रेगनेंसी के दौरान आप पूरी तरीके से अच्छे से एक्टिव नहीं है, आप एक्टिव नहीं रहती है, ज्यादातर रेस्ट करती है, तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, जब आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा होता है तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका वेट ओवर वेट होता है तो बच्चे का वेट भी ओवर वेट हो जाता है, क्योंकि बच्चे में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, तो इस समय जो है आपको हाई रिस्क के चांस बढ़ सकते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान में प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो प्लेसेंटा है वो सामान्य नहीं है, सामान्य अवस्था में नहीं है,
तब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस बढ़ते हैं और आपका जो खून की कमी है आपके अंदर। और फिर और कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो है चांस को बढ़ाती है, वो ये है कि एक तो या तो पोलिस्टिक सिंड्रोम का होना और आपके जो ब्लड में है वो RH जो है सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तब भी आपको जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं, हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस बढ़ा देती हैं। और ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराना है, अपना जो प्रॉपर जो है डॉक्टर से पूरे प्रेगनेंसी के 9 महीने तक जो है अपने 9 महीने जो है डॉक्टर की देखरेख में ही रहना है और अपने मनमानी कुछ भी ना करें जो आपके आस पड़ोस घर वाले आपको प्रेशर डाल के करें कि ऐसी समस्या में ये करना चाहिए, ऐसे में ये करना चाहिए, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरी डॉक्टर की सलाह मानना है और प्रॉपर डाइट लेना है, जो डाइट आपको लेना चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको भर्ती तक होने की नौबत आ जाती है, आपको जो है हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाता है। तो इस अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है आपको, तो आपको प्रॉपर अपनी केयर करनी है, प्रॉपर देखभाल करनी है और तभी इस रिस्क में जो है आपको जो है संतोषजनक परिणाम मिलेंगे और आपकी ये जो प्रेगनेंसी है वो अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज जो जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, और मैं अगले वीडियो में आपको उस प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको हर एक प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बताऊंगी। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में अभी न्यू हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को हिट कर दीजिए ताकि मेरे जो भी वीडियोस आते हैं, न्यू वीडियोस जो आपके लिए मैं बना रही हूँ, उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपके साथ शेयर की है, अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए लाइक बटन पे जाके, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलूंगी आपसे और इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। लिव हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर।